दारागंज में इस विद्युत शब्दाग्रह में दो भट्टियां हैं, एक तो खराब पड़ी है और दूसरी की रिपेयरिंग चल रही है। अगर समय रहते ये दोनों भट्टियां चालू होती तो इतनी राशि आज बालू के नीचे तक न होती। प्रयागराज से मोहम्मद इमरान। प्रयागराज शहर के दारागंज स्थित विद्युत शब्दाग्रह अचानक खराब हो जाने से यहां अंतिम संस्कार कराने आ रहे लोगों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। गंगा किनारे स्थित इस विद्युत शब्दाग्रह के में रोज 30 से 35 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था, लेकिन अचानक इस शब्दाग्रह की चिमनी की प्लेट खराब हो जाने की वजह से यहां पर अंतिम संस्कार का काम पूरी तरीके से रुक गया है। गौरतलब है कि इस विद्युत शब्दाग्रह में एक शव का अंतिम संस्कार का खर्च मात्र 450 रुपये पड़ता है, जबकि इसी शब्दाग्रह के ठीक नीचे गंगा किनारे बने दारागंज घाट में 3.5 से 4 हज़ार रुपये एक शव के अंतिम संस्कार पर खर्च होता है। इधर स्थानीय सभासद कमलेश का कहना है कि ये विद्युत शब्दाग्रह खराब नहीं हुआ है, बल्कि विद्युत शब्दाग्रह चलाने वाले बिजली कर्मियों और चिताओं के लिए लकड़ी बेचने वाले ठेकेदारों की आपसी साठगांठ की वजह से इसे जानबूझकर खराब घोषित कर दिया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। शब्दाग्रह है जहाँ पे दो दो भट्टियां हैं वो अक्सर खराब हो जाती हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? दरअसल जो है, थोड़ा तेज बोलिएगा फिर से। मध्य प्रदेश और अन्य जगह से जो है लाशें जो है यहाँ पे जो आती हैं वो विद्युत शब्दाग्रह में जलाकर ही वो राख प्रवाहित करते हैं। गंगा जी से गंगा का जल ले आकर वो नहलाते हैं और उसको जो है यहाँ पे विद्युत शब्दाग्रह में उसको जला के ही वो करते हैं। लेकिन जो है यहीं पे शंकर घाट में जो है विद्युत शब्दाग्रह नगर निगम का है, वहाँ से 2 किलोमीटर रसगुल्लाबाद घाट पड़ता है 1 किलोमीटर, जहाँ पे लकड़ियाँ बिकती हैं, यहाँ पे सीधे जो है नीचे लकड़ियाँ मिलती हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हर साल भर में 2 बार तो ये विद्युत शब्दाग्रह हमारा जो है उसके जो प्लेटें जल जाती हैं। कैसे जो प्लेटें जल जा रही हैं, ये तो वहाँ की प्लेट नहीं जल जा रही, यहाँ पे प्लेट जल जा रही हैं। ऐसे ये प्रतीत होता है कि इसमें जो है मिली भगत जो है विद्युत विभाग जो संचालित कर रहा है उसकी कहीं ना कहीं इस पे मिली भगत है लकड़ियों से, लकड़ी बेचने वालों से, क्योंकि वहाँ पे 450 रुपया लगता है। एक गरीब आदमी भी अपना शवदहन करवा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है 3,000 से लेकर 3,500, 3,600, 3,600, 4,000 तक जो है लिया जाता है लकड़ियों का। अब उसमें जो है एक तो वायु प्रदूषण भी हो गया, दूसरा जो है प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जबकि 2600 करोड़ रुपया जो है 53 जिलों को जो है केंद्र सरकार ने दिया था, जिसमें 1900 काष्ठगृह जो है नगर निगम को बनाने थे। उसमें 100 किलो लकड़ी में नगर निगम की तरफ से 100 किलो लकड़ी में एक शव का दहन होता है, मतलब कि 2.5 मन जिसको कहा जा सकता है, मतलब एक जो है अमूमन जो है 5 मन की जो लाश भी लगाई जाती लकड़ी उसमें 2 जो है लाशें जल जाती। उसको इन्हीं सब कारणों से राजनीतिक प्रेरणा से जो है वो आज तक जो है इलाहाबाद में 6 घाट नहीं बन पाए, जिससे अगर वो घाट बने होते तो आज जो है कोरोना की जो महादशा जो फैली हुई है ये जो है न, क्योंकि 2.5 मन लकड़ी में 100 का दहन का हो जाता, कम पैसे में जो है और प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी ना होता, वायु प्रदूषण से भी बच जाते हम, ऑक्सीजन की कमी भी ना होती। गौरतलब है कि पिछले 1 महीने में इस विद्युत शब्दाग्रह में 511 लोगों का अंतिम संस्कार कराया गया था, और इसमें ज़्यादातर ऐसे लोग भी थे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती थी और इसके चलते वो अंतिम संस्कार में अधिक पैसे नहीं दे सकते थे। लेकिन अचानक इस विद्युत शब्दाग्रह की चिमनी की प्लेट खराब होने की वजह से यहाँ आने वाले गरीब और आर्थिक
रूप से अक्षम लोगों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज के विद्युत शब्दाग्रह जो दारागंज का है, इसमें दो भट्टियां हैं, तो फिलहाल तो अभी खराब है, एक बन रही है। तो जब ये सही थी तो इसमें कितनी डेड बॉडियां जलाई गई हैं और कितना समय लगता है एक डेड बॉडी जलाने में? हमारी दोनों भट्टी चालू हुई थी, जो कि पिछले महीने में 427 वाली जलाई गई है, 24 लवाई जलाई गई है। अभी अचानक टेक्निकल खराबी के कारण एक भट्टी खराब हुई, रिपेयरिंग में काम लगा हुआ है, जो कि एक मशीन हमारी चालू है। समय रहते प्रशासन द्वारा अगर इन शब्दाग्रह की भट्टियों को सही करा दिया जाता तो आज हजारों लाशें जो बालू की रेत में दबी हैं उनका भी ठीक से क्रियाक्रम हो सकता था। मोहम्मद इमरान यूसुफी, प्रयागराज। आप देख रहे हैं संगम न्यूज।